खबर है टोबा टेक सिंह से। टोबा टेक सिंह में जिलाई इंतजामिया ने शहर के खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए। कंटेनर के साथ पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं। आपको बताएं कि यहाँ पे टोबा टेक सिंह में जिला इंतजामिया ने शहर के खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए हैं। कंटेनर्स के साथ पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं। जानते हैं ब्यूरो चीफ रिहान गुल से। रिहान, अब टोबा टेक सिंह में भी दाखिली और खारजी रास्ते बंद किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के 2 नवंबर के धरने के पेश नज़र ज़िला इंतजामिया टोबा टेक सिंह की जानिब से शहर को सील करने के इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। और अभी तक के शहर के जो 8 मुख्तलिफ खारजी रास्ते हैं वहाँ पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं। जिन जगहों पर कंटेनर लगाए गए हैं वो तमाम शहर के एंट्रेंस और एग्ज़िट के मेन पॉइंट्स हैं, जिनमें डिजकोट रोड, समुंदरी रोड, रजाना रोड, जंग रोड, गोजरा इंटरचेंज, पैसा इंटरचेंज और फैसलाबाद रोड के इलाके शामिल हैं। जो पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं वहाँ उनको इंतजामिया की तरफ से यह हदायत की गई है कि जो भी गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं उनकी सख्ती से चेकिंग की जाए, खसूसी तौर पर लोडर गाड़ियाँ, और जिन गाड़ियों में अफराद की तादाद ज़्यादा हो, सवारियाँ ज़्यादा हो, उनको खसूसी तौर पर चेक किया जाए, अंदर से भी तलाशी ली जाए, और अगर उनका किसी भी किस्म का शक व शुबा निकलते हैं कि उनका PTA से ताल्लुक है या वो PTA के कारकुन है, तो उनको फौरी तौर पर गाड़ी जाने की इजाज़त नहीं दी जाए, उनको बंद कर दिया जाए। इसके अलावा ये तमाम जो पॉइंट्स हैं इन पर मुकम्मल नाकाबंदी की गई है और इंतजामिया की जानिब से आगे जो आने वाले 2 दिन हैं 2 नवंबर तक मुसलसल यहाँ पर नाकाबंदी जारी रहेगी और पुलिस की टीमें यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई हैं। जी जी, शुक्रिया रेहान गुल।